आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। मध्य प्रदेश टीकमगढ़ जिले के नगर खरगापुर चौपरा हनुमान जी मंदिर चौराहा बाबा हरिदास हनुमान मंदिर पर सुबह से जन्मोत्सव कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विधि विधान के साथ हवन पूजन एवं महाआरती 56 प्रकार का प्रसाद लगाया गया। लोगों के द्वारा भजन कीर्तन गाकर जन्मोत्सव मनाया गया। दोपहर के समय भव्य शोभायात्रा चौपरा हनुमान जी मंदिर से निकाली गई। गाजे बाजे और बैंड बाजे नगाड़े के साथ युवाओं युवतियों के सिर पर पगड़ी एवं हाथ में ध्वजा पताका लेकर डीजी पर भगवान के भजनों पर नृत्य करती नजर आई एवं गगन भेदी जय श्री राम की गर्जना जयकारा लगाते हुए शोभायात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। लोग अपने दो घरों के दरवाजों पर बंधनवार बांधे एवं बाहर रंगोली कलश सजाकर भी स्वागत किया गया। यात्रा में सुंदर घोड़े जिनके ऊपर राम नाम की मुहर लगाकर पंजीकृत किया गया। बग्गी में राम लक्ष्मण जानकी विराजमान एवं हनुमान जी स्वरूप बनाए राम भक्त महिला पुरुषों ने अपने अपनी छतों से समस्त शोभायात्रा पर पुष्प वर्षा की। युवा युवतियों ने डीजे पर भगवान के गाने बज रहे थे पर सभी श्रद्धालु युवक युवतियों द्वारा नृत्य करते देखा गया। भगवान जी की शोभायात्रा पर फूलों के साथ स्वागत एवं हजारों की संख्या में महिलाएं एवं पुरुष बच्चे बूढ़े शोभायात्रा में शामिल रहे। नगर खरगापुर में काफी जगह लोगों द्वारा स्वागत एवं खाने पीने की व्यवस्था जैसे राजा की बजरिया में व्यवस्था की गई। जैसे ही शोभायात्रा हनुमान चौराहे हनुमान मंदिर पर पहुंची तो वहां पर फलों एवं मिष्ठान का प्रसाद लगाया गया। नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए कमेटी द्वारा विशाल भंडारे की व्यवस्था की गई। इस मौके पर नगर के वरिष्ठजन सभी पार्टी के पदाधिकारी एवं युवा बड़ी संख्या में मौजूद रहे। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए खरगापुर से संवाददाता हरिशंकर जड़िया की रिपोर्ट। कहां कहां से शोभायात्रा निकाली जाती है, कहां पर समापन ये हमारे आराध्य पुरुष भगवान सृष्टि के रचयिता श्री रामचंद्र जी के परम भक्त आप माने के परम भक्त होने के नाते उनका जन्म उत्सव मनाया गया। ये केवल खरगापुर नहीं है, खरगापुर से पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है क्योंकि ये सृष्टि की रचयिता है। आज के दिन भगवान श्री हनुमान जी का जन्म उत्सव आज के दिन का जन्म हुआ था इसलिए अपन जयंती ना बोल के जन्म उत्सव मनाया जाता है। ये हमारे नगर खरगापुर में चोपड़ा मंदिर में जहाँ हनुमान जी महाराज का मंदिर है और पुराना मंदिर है वहाँ से लेकर पूरे नगर हनुमान जी मंदिर चौराहे पर एक विशाल मंदिर है वहाँ पर शोभायात्रा का स्वागत भी किया जाता है। चौराहे से लेकर मंडी होती हुई तालाब होती हुई पूरे नगर का भ्रमण करते हुए सीधा चौपड़ा मंदिर पर होते हैं वहाँ पर कीर्तन द्वारा किया जाता है। आज खरगापुर में आप लोग काफ़ी संख्या में भक्त लोग दिखाई दिया है, आज हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाए इस पर आप क्या कहेंगे? आज नगर खरगापुर में हनुमान जन्मोत्सव का भव्य त्यौहार मनाया गया क्योंकि लोगों ने दो साल से प्रोग्राम नहीं कर पाया था तो लोग अंदर से बहुत ज़्यादा उत्साह में थे और सारे नगर के महिलाएं और पुरुष सारे ही शोभा यात्रा में शामिल थे, उनका भव्य स्वागत किया गया हमारे द्वारा। जय जय श्री राम। आपने वहाँ मीडिया कवरेज कर रही है, कवरेज करने में काफ़ी दिक्कत आई, इतनी भीड़ है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कितनी काफ़ी संख्या में कैसे आप लोगों ने? प्रशासन को पहले से बता दिया गया था कि शोभा यात्रा में बहुत ही ज़्यादा भीड़ होगी, उन्होंने प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी थी। अब भीड़ होने के कारण थोड़ी अव्यवस्थाएँ तो हो ही जाती बाकी प्रशासन का भी सहयोग हुआ है। शोभा यात्रा का हमने देखा काफ़ी टेंट भी लगाए गए हैं घोड़ा वगैरह, इस पर क्या? हम और हमारी टीम ने फूल बर्फा और केला प्रसादी लड्डू वगैरह सारे शोभा यात्रा में जितने भी भक्त आए थे उनके लिए किए क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही थी तो पानी की व्यवस्था भी हमारी टीम ने और हमारे द्वारा की गई। शोभा यात्रा ऐसी हर वर्ष की तरह भव्य होती है।